मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। एशिया कप इसी वीकेंड से शुरू हो रहा है। एशिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा बार भारत ने जीता है। ये रिकॉर्ड देखकर लगता होगा कि भारत इस टूर्नामेंट के हर एडिशन में खेला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टूर्नामेंट का एक एडिशन ऐसा भी रहा है जब भारत ने इसमें खेलने से मना कर दिया था। जी हाँ, भारत 1986 में हुए इस टूर्नामेंट के सेकेंड एडिशन में नहीं खेला था। पॉलिटिकली वोक लोगों को पता ही होगा, उस दौर में श्रीलंका गृह युद्ध से गुजर रहा था। वहाँ पर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिटे ने अलग तमिल देश की मांग को लेकर लड़ाई छेड़ रखी थी। और इन्हीं सबके बीच साल 1986 का एशिया कप श्रीलंका में आयोजित हुआ। ऐसे में यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स ने सुरक्षा कारणों की वजह से खेलने से इनकार कर दिया था और ये अपना टाइटल डिफेंड करने भी नहीं उतरे थे। लेकिन इंडियन प्लेयर्स का इस टूर्नामेंट से बाहर बैठने का कारण सिर्फ यही नहीं था। दरअसल साल 1985 में इंडिया ने श्रीलंका का दौरा किया था और इसी टूर के दौरान मेहमान देश को हराकर श्रीलंका ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। इस सीरीज के दौरान टीम इंडिया में सब कुछ सही नहीं था, टीम के अंदर काफी विवाद चल रहे थे। लेकिन इन विवादों से ज्यादा समस्या अंपायरिंग ने पैदा की। प्लेयर्स इस सीरीज की अंपायरिंग से बहुत नाराज थे और इसलिए उन्होंने अगले ही साल श्रीलंका जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल 3 टेस्ट मैच का ये दौरा टीम इंडिया ने हड़बड़ी में किया था। इंडियन टीम के श्रीलंका में लैंड करने से पहले तक ये पक्का नहीं था कि ये सीरीज खेली भी जाएगी या नहीं। तमाम सवालों के बीच टीम इंडिया वहां पहुंची और 3 मैच की सीरीज खेली गई। पहला मुकाबला ड्रॉ हुआ, दूसरा मुकाबला श्रीलंका ने अपने नाम किया और फिर तीसरा मुकाबला भी ड्रॉ हो गया और श्रीलंका पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीत गई। वहीं इंडिया के सीरीज हार के कई सारे कारण थे। पहला तो टीम इंडिया के अंदर की लड़ाइयाँ, दूसरा खिलाड़ियों की कम प्रैक्टिस, लेकिन ये सारे मसले पीछे छूट गए क्योंकि इस टूर में अंपायरिंग का लेवल बहुत खराब रहा। अंपायर्स के खिलाफ इंडियंस में गुस्सा इसलिए भी रहा क्योंकि ग्राउंड पर हुई घटनाओं के राजनीतिक अर्थ भी निकाले गए, और वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर संदेहास्पद फैसले तमिलनाडु के प्लेयर कृष्णचारी श्रीकांत के खिलाफ दिए गए थे। श्रीलंकन एम्पायर पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने श्रीकांत के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। जब श्रीकांत ने खराब लाइट की शिकायत की तो जवाब में एम्पायर ने उनसे बदतमीजी भरे अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखने को कहा। हालांकि इंडिया टुडे के अनुसार इसके बाद खुद श्रीकांत ने ही दिन खत्म होने से पहले एम्पायर से माफी मांगी। लेकिन ये माफी वाली बात टीम मैनेजर ML जयसिम्हा तक नहीं पहुंची थी। श्रीकांत के साथ जो हुआ उसके खिलाफ मैनेजर जयसिम्हा ने लिखित शिकायत दर्ज की और इस बात से मेजबान काफी नाराज हुए। इस सीरीज के दौरान दोनों बोर्ड्स के बीच आई खटास को भी इंडिया द्वारा श्रीलंका में आयोजित एशिया कप में ना खेलने का एक कारण बताया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है मोहन ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।